अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम इंग्लिश का क्लास 8 का पेपर है जो हम डिस्कस करेंगे, गेस्ट पेपर को, कि इस बार हमें कौन से क्वेश्चंस आएंगे और इसके हवाले से हम पास्ट पेपर को डिस्कस करेंगे कि पिछले पेपर में हमें कौन से क्वेश्चंस आए थे और फिर हम उनकी तैयारी करेंगे, ठीक है। तो गेस्ट पेपर्स में फिर वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो वो आपको उनकी अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आपको वही क्वेश्चन बार दफ़ा रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 2023 का पेपर है, क्लास 8 का इंग्लिश का। तो सबसे पहले इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं स्टूडेंट्स के लिए, यूज़ मास्क एंड कीप एट लीस्ट 3 ft डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, 3 फुट का अपने फासला रखना है एक दूसरे से और मास्क यूज़ करना है, ठीक है। रीड केयरफुली एंड अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ध्यान से आपने पढ़ना है और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कोई छोड़ना नहीं है। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन ऑफ ईच ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एज शोन इन एग्जाम्पल बिलो। अब उन्होंने एक एग्जाम्पल दी है कि जो भी करेक्ट आंसर आपको लगेगा उसको आपने इन सर्कल कर देना है, ठीक है। इफ मोर देन वन ऑप्शन आर इन सर्कल इन अ क्वेश्चन, नो मार्क विल बी गिवन। अगर आप एक से ज्यादा ऑप्शन को सर्कल कर देते हैं तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। टोटल मार्क्स 48 का है, ये पार्ट ए है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, टोटल टाइम है 1 आवर। इसमें सिर्फ आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, अगर आप इनके आंसर्स जो हैं वो भी लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं एक और वीडियो में आपको ये सॉल्व किए हुए भी आपको अपलोड कर दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ समवन आस्क फॉर हेल्प व्हाट विल यू से, अगर कोई आपसे मदद मांगता है तो आप क्या कहेंगे। आई विल पनिश यू, आई कैन नॉट हेल्प एनीवन, आई एम रेडी टू हेल्प, आई डोंट नो यू। तो आप इनमें से किसको टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये सारे एमसीक्यूज इस तरह आपको दिखाए जा रहे हैं। आइडेंटिफाई द वर्ड हैविंग लॉन्ग वोवल साउंड, जिसका लॉन्ग वोवल साउंड है उसको आइडेंटिफाई करें। चूज द ऑप्शन दैट हैज डिफरेंट मीनिंग इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, ऐसा ऑप्शन चूज करें जिसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों फॉर्म में अलग मीनिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, ऐसा सेंटेंस चूज करना है, ऐसा सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है आपने जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन सही वे में यूज किया गया है। चूज द मस्कुलाइन ऑफ मेयर, मेयर का मस्कुलाइन चूज करें। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ अंडरलाइन वर्ड, कायदे आजम डिसाइडेड, डिसाइडेड जो है, ठीक। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ, इसका एडजेक्टिव आपने जो है वो आइडेंटिफाई करना है इनमें से, ऑप्शंस में से। उसके बाद है आइडेंटिफाई सेंटेंस विच हैज परसोनिफिकेशन, ऐसा सेंटेंस आइडेंटिफाई करें जिसमें परसोनिफिकेशन हो। योर फ्रेंड हैज हेल्प यू इन योर होमवर्क, हाउ विल यू थैंक हर, आपके दोस्त ने आपकी होमवर्क में मदद की है, आप उसको कैसे थैंक यू बोलेंगे। आइडेंटिफाई द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग कौन से हैं इनमें से आइडेंटिफाई करना है। चूज द करेक्ट क्वेश्चन फॉर द गिवन सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में कौन सा क्वेश्चन करेंगे आप। रिकोगनाइज द सेंटेंस विद यूज ऑफ लिंकिंग वर्ब। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद पास्ट परफेक्ट टेंस, कौन सा सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाया गया है वो आपने आइडेंटिफाई करना है। यू वॉन्ट टू रीड अ न्यूज पेपर, हाउ यू विल आस्क योर फ्रेंड टू पास न्यूज पेपर इन अ पोलाइट वे। वट इज एडजेक्टिव फ्रेज इन फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें से एडजेक्टिव फ्रेज कौन सा है, ठीक है। आइडेंटिफाई कंपेरेटिव डिग्री ऑफ अंडरलाइन एडवर्ब, आइडेंटिफाई द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, चूज एम्फेटिक प्रोनाउन इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। ज्यादातर इसमें ग्रामर के क्वेश्चन हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के क्वेश्चन अगर आपको ना, ये असल में बात यह है कि ये हैं ग्रामर के क्वेश्चन, अगर यही वाला क्वेश्चन आपको रिपीट नहीं भी होता ना, लेकिन आप अगर इनको समझ के करेंगे तो इसमें जो जो भी आपको एडवर्ब वगैरह और ग्रामर के कुछ भी टेंसेस वगैरह के से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं तो उसी को घुमा फिरा के वो देंगे। अगर आपको वो ग्रामर के इश्यूज क्लियर हैं तो आप वो कर लेंगे, ठीक है। बस आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। दिस इज द ट्रेन डैश विल लीव एट 5 PM। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विच इन ट्रांजिटिव वर्ब इज यूज। अब मुझे लगता है कि मुझे इसका सोल्यूशन भी आपके लिए अपलोड करना चाहिए, तो अगर आपको जरूरत होगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं कर दूंगी, ठीक है। द स्टूडेंट्स रीच द क्लास डैश देन एवर बिफोर, इस तरह आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ सेमीकोलन, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड इन द एयर, ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द सिंपल सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ सेंटेंस, चेंज द वॉइस, इसकी वॉइस चेंज करनी है। आइडेंटिफाई द सुफिक्स इन द वर्ड पनिशमेंट, पनिशमेंट वर्ड में सुफिक्स को
आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विच एडवर्बियल फ्रेज इज यूज। उसके बाद है जी पैराग्राफ इंस्ट्रक्शंस। रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब आपने आपको एक पोएम दी गई है, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, आपने उनको उनका आंसर इसमें से देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच लिटरेरी टेक्निक इज यूज्ड इन द फर्स्ट टू लाइंस ऑफ पोएम। पहली दो लाइंस में कौन सी लिटरेरी टेक्निक यूज की गई है। उसके बाद है विच इज द विच लाइन रिप्रेजेंट द मेन थीम ऑफ पोएम। मेन थीम जो है पोएम का वो किस लाइन में शो हो रहा है। इन वट मीनिंग वेन इज यूज इन लाइन 5 ऑफ द स्टेंजा। वट इज अ सुटेबल टाइटल फॉर स्टेंजा। चूज द लाइन इन विच ट्रांजिशनल डिवाइस इज यूज। क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पेपर आएगा, ठीक है। कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है, बहुत ईजी पेपर है। लास्ट टाइम यही पेपर आया था आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों ने इसकी अच्छे से तैयारी कर लेनी है, मतलब आपको बस ग्रामर पे ज्यादा फोकस होना चाहिए आप लोगों का। तो अगर आपको इसका पूरे का पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं अपलोड कर दूंगी। तो जरूर बताइएगा इसका पेपर आपका किस दिन है। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।